स्कोडा ने अपनी फ्लैगशिप मॉडल यानी कि सुपर्ब में एक और वेरिएंट ऐड कर दिया है और इस वेरिएंट का नाम है स्पोर्टलाइन। और इस वेरिएंट के बारे में क्या क्या चीजें नई है और क्या अच्छी चीज है यहाँ पे हो सकती है आपके लिए, इन्हीं सारे फैक्टर्स के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव पूरी तरह से रहने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको एंड में अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें बिना मत जाइएगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी। सो सुपर्ब स्पोर्टलाइन को टॉप स्पेक मॉडल एलएनके से एक स्टेप नीचे और स्टाइल ट्रिम से एक स्टेप ऊपर की पोजीशन पे प्लेस किया गया है और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही क्लेवर मूव है क्योंकि एलएनके वाले कस्टमर्स को अगर बजट में प्रॉब्लम हो तो ये 1.5 लाख तक की अमाउंट जो है वो सेव कर सकते हैं इस स्पोर्टलाइन में जाके। और स्टाइल ट्रिम के कस्टमर्स को अगर एडेड फीचर्स चाहिए तो अराउंड सेम 1.5 लाख की अप्रोक्सीमेट अमाउंट ज्यादा स्पेंड करके एलएनके में ना जाके इस स्पोर्टलाइन में जा सकते हैं। एक्सटीरियर में तीन नए पेंट्स ऑफर किए गए जिनमें शामिल है मून व्हाइट, वेलवेट रेड और स्टील ग्रे। कार के इन नए कलर्स को स्पोर्टियर बनाने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है। फ्रंट में ब्लैक ग्लॉसी ग्रिल के साथ ये एग्रेसिव हेडलाइट्स का कॉम्बिनेशन स्कोडा की सिग्नेचर एंगुलर स्टाइलिंग और एक जबरदस्त लुक जो है वो फ्रंट से ही मिल जाता है। वहीं साइड में देखें तो 17 इंच के व्हील्स और ड्यूअल टोन एलॉयज लीमो की फील देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। इंटीरियर में भी कार्बन डेकोर और एलईडी एम्बियंट लाइटिंग का कॉम्बिनेशन प्रीमियम फील देने के लिए और थ्री स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जो कि लेदर रैप्ड है और स्टिचेस के साथ स्पोर्टी होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी बहुत ज्यादा है। वहीं खास बात तो है इस कार की सीट्स में, यस ये सेडन ब्लैक एल्कांट्रा स्पोर्ट सीट्स जिसमें हेडरेस्ट जो है वो इंटीग्रेटेड है, ये बहुत ही स्पोर्टी फीलिंग आपको दे देते हैं इंटीरियर में और ये सीट जितनी स्पोर्टी है उतनी ही ज्यादा कंफर्टेबल भी आपको लगने वाली है। पावर ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं दिए गए। 177 bhp का 1.8 लीटर TSI पेट्रोल इंजन और 174 bhp का 2.0 लीटर TDI डीजल इंजन में ये कार अवेलेबल है जिसमें DSG ट्रांसमिशन लगा हुआ है और यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी इस कार में अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे कार के अगर सारे फीचर्स की बात करें तो ये लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाने वाली है और ऐसा मैं नहीं करूँगा और आपको ज्यादा बोर ना करते हुए सीधा सीधा मेन और बड़े फीचर्स की बात करता हूँ। इंफोटेनमेंट सिस्टम में स्कोडा की खुद की डेवलप की हुई एमेंडसन सिस्टम दी गई है जो कि 8 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम है। ये सिस्टम स्कोडा की स्मार्ट लिंक टेक्नोलॉजी के साथ भी लोडेड है जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और मिरर लिंक जैसे फंक्शंस शामिल है। म्यूजिक सिस्टम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे म्यूजिक आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए, इस तरह की म्यूजिक क्वालिटी जो है, आउटपुट क्वालिटी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। एडिशनली यहाँ पे 3-zone ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC भी है जो आपके कंफर्ट को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना देगी। अब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चलिए बाकी सारी बातें एक तरफ और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स एक तरफ। आप जानते ही हैं कि सेफ्टी फीचर्स के अंदर मैं पर्सनली कितना फोकस्ड हूँ और ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे ज्यादा बड़ा रीजन वो भी यही है कि सेफ्टी फीचर्स स्कोडा की ऐसी कार्स में क्या क्या आते हैं और इस कार के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर क्या क्या फीचर्स हो, तो ये एक अच्छी बात है। ये चीज़ों के थ्रू आपको वाकिफ करवाना मेरा सबसे बड़ा गोल है। सेफ्टी में अगर बात करें तो 8 एयरबैग्स, ABS, ESC, EBD विथ मैकेनिकल ब्रेक असिस्ट, मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग, हिल ब्रेक असिस्ट और हिल होल्ड, एंटी स्लिप रेगुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक जैसे बहुत सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स से ये कार जो है वो लोडेड है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो एंटी थेफ्ट इंटीरियर मॉनिटरिंग और पार्कट्रॉनिक सेंसर्स फ्रंट और रियर में दोनों जगह पे जिनकी हेल्प से आप इस लंबी कार को कंफर्टेबली पार्क कर सकते हैं। और इन्हीं सेफ्टी या तो सिक्योरिटी फीचर्स में अगर कोई भी फीचर ऐसा है जो आपको पर्सनली समझ में ना आया और आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप जानते ही आपको क्या करना है, बस नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं इसके ऊपर आपको कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दे दूंगा या तो वीडियो के थ्रू या तो कमेंट के रिप्लाई के थ्रू।
प्राइसिंग की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट जो है वो 28.99 लाख एक शोरूम इंडिया की है और 31.49 लाख डीजल वेरिएंट की एक शोरूम इंडिया की प्राइसिंग है। और ये जो प्राइसिंग है वो टॉप स्पेक मॉडल यानी कि एलएम के मॉडल्स है अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के डिफरेंस के साथ आती है, जो एक अच्छी बात कही जा सकती है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किए बिना कहीं मत जाइएगा। और इसी के साथ अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के साथ मैं आपको ऑलवेज अपडेटेड रख पाऊँ। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसे किसी इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। और तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इनक्रेडिबल, राइट? थैंक यू।